जमुई जिले के सोनो में रेप पीड़िता से मिलने के लिए राजनेताओं का आने का सिलसिला जारी है। डुमरी गांव में एक नाबालिग के साथ रेप की घटना हुई थी। इस मामले को लेकर प्रदेश स्तर के नेता लगातार पहुंच रहे हैं, विधायक से लेकर मंत्री तक यहां आ चुके हैं और लगातार कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन रेप पीड़िता एवं परिजनों को उस दिन का इंतजार है कि आखिर उसे न्याय कब मिलेगा। गुरुवार को रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत की और गांव के लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रेप पीड़िता को अवश्य ही न्याय मिलेगा। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यहां जमुई के गिद्धौर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों से ढोंगी सुशासन के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लोगों को ठगते आए हैं। आगे इस बात का वो सुनिश्चित राज्य की सरकार को करना चाहिए। एक तरफ नीतीश कुमार का आप अच्छा भी कह रहे हैं, आखिर आप ऐसा क्या हो गया जो किया बच्चे में? आप देख ही रहे हैं, नीतीश कुमार उन दिनों अच्छा थे जिन दिनों वादा कर रहे थे कि बिहार में हम न्याय देंगे। हमको भी भरोसा था नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, सुशासन लाएंगे। उस समय तो स्वाभाविक रूप से बिहार की जनता ने अच्छा समझकर ही वोट दिया था। तो हम अकेले अच्छा करने वाले नहीं थे, जनता ने भी अच्छा कहा था। लेकिन अब 15 वर्षों का जो उनका रवैया है, अब तो साफ हो गया कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया क्या नहीं किया, किस रूप में उनका सुशासन चल रहा है, जनता किस रूप में परेशान है, नौजवान लोग किस तरह से शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए गरीब लोग परेशान हैं, प्रवासी मजदूर पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों की यात्रा करते हैं, वहां जाकर किसी तरह से रहते हैं। अब इस लॉकडाउन की स्थिति में देश दुनिया के लोगों ने देखा कि बिहार के गरीब लोग, मजदूर लोग कितना पलायन के शिकार होते हैं और किस रूप में बाहर जाकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। राज्य सरकार का, नीतीश कुमार जी का रवैया अगर ठीक होता, इनका काम ठीक होता, तो गरीबों को न्याय मिल सकता था, नौजवानों को रोजगार यही मिल सकता था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था यही बिहार की धरती पर संभव था, जो इन्होंने नहीं किया। सर, महागठबंधन में आपके दल की क्या भूमिका है? महागठबंधन में हमारे दल की भूमिका जो लोकसभा चुनाव के समय थी, कांग्रेस पार्टी से सर कैसे संबंध है आपके पास? महागठबंधन में सभी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, बाकी हम लोग भी हैं, सब लोग हैं। महागठबंधन से तलखी आपका इधर ज्यादा देखने को मिल रहा है? नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत तलखी का कोई मतलब नहीं है। आप भी लोग बताइए ना कि नीतीश कुमार जी ने 15 साल में रोजगार का कोई इंतजाम किया क्या? गरीब लोग जो आज लॉकडाउन के समय परेशान हुए बाहर से आने में, उनको यही धंधा मिल गया रहता तो लोग बाहर नहीं जाते। इसके लिए कुछ किया क्या नीतीश जी ने? शिक्षा व्यवस्था चौपट है, इसके लिए कुछ उन्होंने किया क्या? गरीबों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक ठाक हो, इसके लिए कुछ किया क्या? जब नहीं किया तो फिर सत्ता में बने रहने का औचित्य क्या? सर, तो ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी कि एनडीए से आपने लगा तोड़? उसी का तो जवाब हमने दिया ना, उसमें भरोसा था कि करेंगे, नहीं किया, नहीं किया। महागठबंधन के तरफ से सीएम के कौन चेहरे होंगे सर इस बार? अभी तय नहीं हुआ, तय होगा फिर बता। तो नए राजनीतिक समीकरण जो उभर रहा है सर, उसमें क्या आप संतुष्ट हैं? कौन सा नया राजनीतिक समीकरण? महागठबंधन है, पप्पू जी है, ये लोग जो उभर के आ रहे हैं। महागठबंधन, महागठबंधन है जिसमें कौन कौन पार्टी है आप सब लोगों को मालूम है। जमुई लोकसभा क्षेत्र में कितने विधानसभा पर RLSP अपना? अभी अभी तय नहीं है महागठबंधन की कौन पार्टी कितनी सीटों पर कहाँ कहाँ लड़ेगी, अभी तय नहीं है। महागठबंधन के हम सब लोग मिलकर तय करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो जमुई जिला में अभी कल एक झाझा में घटना हो गई, शासन प्रशासन के लोग दबाव दे दिए, वेबसाइट वर्क के लोग हैं वो भी अभी जानकारी मिली है, अभी जहाँ था क्या हत्या करने का, थोड़ी देर पहले हमको भी जानकारी मिली है यहाँ आने के बाद कि कोई वेबसाइट है जिनके साथ जो जस्टिस चाहते थे नहीं मिल रहा था, कोशिश उनकी जारी थी, नहीं उस कोशिश में सफलता मिल रही थी, और फिर सत्ताधारी दल के एक नेता, उन पर भी उनका आरोप है कि उनके कारण हमको न्याय नहीं मिल रहा था। मत में मजबूरी में उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया, जबकि आत्महत्या तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जिला प्रशासन का ये लोग जो मुझे पहली बार देखने को मिले, लेकिन जिस तरह की स्थिति उनके सामने बनी और आत्महत्या करने पर उतारू हो गए, यह स्थिति ठीक नहीं है।
सरकार को और स्थानीय प्रशासन शासन के लोगों को देखना चाहिए। चीन के कायरपूर्ण हमले के खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई झाझा के द्वारा चीन के झंडे को जलाकर विरोध जताया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार विरोध जता रहे थे और चीन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रूपेश कुमार भारती ने की। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सूरज बनवाल जी जुड़े, जिन्होंने आज चीनी सेना का पुरजोर विरोध करते हुए भारत को वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित की। हम सूरज जी से जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सूरज जी आप? आज हमारा भारत के विश्व स्तरीय जो समझौते हैं, विश्व का जो संबंध है उसके सुधार में जो उछाल आया है, उससे आज पाकिस्तान त्रस्त हो चुका है, जिससे बौखला कर चाइना के द्वारा हमारे भारत के सीमा क्षेत्र में उल्लंघन करके हमारे सैनिकों को हमारे सैनिक जिसे शहीद हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं चाइना की बौखलाहट को दिखाता है। चाइना को मैं बता देना चाहता हूँ कि उसका 90% सामान जो है हमारे भारत में बिक्री होता है। अगर भारतवासी उस पर प्रतिबंध लगा दें, अगर वो खरीदना बंद कर दें, तो चाइना भीख मांगने पर आतुर हो जाएगा, उसे कोई रास्ता नहीं नजर आएगा। आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किस प्रकार से किया है? आज हम लोगों ने दुर्गा मंदिर चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में चाइना का तिरंग उसका जो झंडा है उसे जला करके हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं और समाज में यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि चाइना का जितना भी सामान हमारे भारतीय भाई बंधु हमारे भारत के जितने भी लोग यूज कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द रोक लगाएं, ताकि चाइना रोड पर आ जाए और हमारा भारत फिर से विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर। जमुई के खैरा सोनो मुख्य मार्ग पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 970 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। बताया जाता है कि यहां देसी विदेशी दोनों शराब बरामद किए गए हैं। ऑटो सहित एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारे जमुई संवाददाता मोहम्मद अंजुम आलम का बताना है, जसीडीह से लखीसराय ले जाई जा रही थी शराब की यह अवैध खेप। इस दौरान कार्रवाई की गई, ऑटो वाहन के छत पर बॉक्स बनाकर की जा रही थी शराब की तस्करी, तभी गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उत्पाद विभाग के अधीक्षक रजनीश कुमार का बताना है कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली जमुई की ओर से अवैध शराब की खेप लाई जा रही है, तुरंत ही उन्होंने तत्परता दिखाई और आवश्यक कार्रवाई की। सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर सुभाष कुमार के नेतृत्व में टीम पहुंची और नरियार के पुल पर वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया और रंगे हाथों शराब की खेप पकड़ ली गई।